नाथ जी, गुरु जी को लखा देश, माँ भगवती को लखा देश, रांची वाले भैरव बाबा को लखा देश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है कि शिवलिंग के किस मुख का पूजा हमें करना चाहिए और किस मुख के पूजा से और किस मंत्र के द्वारा करने से हमें किस तरह के फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब महादेव और महामाया ने पृथ्वी की रचना की थी तो उनसे बोला गया था कि आप पृथ्वी पर ही स्थापित हो जाए ताकि हम पूजा अर्चना कर पाएँ। तो उन्होंने अपने प्रतीक रूप में पशुपात शिवलिंग की स्थापना की थी कि इसको ही आप महामाया और महादेव मानेंगे। इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन अगर आप परशुराम कल्प सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि दर्शन और स्मृति शास्त्र सात में 18 विद्याओं को देने के लिए महादेव शिवलिंग के रूप में, पंचमुखी शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए। और इस पंचमुखी जो शिवलिंग है, जो सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, इन सब से अलग अलग तंत्र की धाराएं निकली और ये जो शिवलिंग है ये महामाया पर, दुर्गा पर विराजमान है। और ये जो तंत्र की शाखाएं हैं, ये पांच मुख से पांच तंत्र की शाखाएं निकली, फिर उन पांचों से और पांच पांच शाखाएं निकली, तो पूर्ण रूपेण 25 तंत्र की शाखाओं को मान्यता मिली कि तंत्र की 25 शाखाएं हैं। बाद में और शास्त्रों ने बताया कि ये तंत्र की शाखाएं 67 हैं। एक और दर्शन आया जिसमें शिवलिंग को फिर भैरव मानते हुए 64 भैरव का वर्णन और 64 तंत्र विद्याओं का वर्णन हुआ, ठीक है। और एक दुर्गा को जोड़ते हुए 65 तंत्र विद्याओं के बारे में बताया गया। तो जब शिवलिंग की बात करते हैं, जब शास्त्रों की बात करते हैं, तो एक बहुत कन्फ्लिक्ट जोन आता है कि शिवलिंग का जो पूजा करते हैं वो तीन भाव में करते हैं, पशु भाव में, वीर भाव में और दिव्य भाव में। पशु भाव में वो करते हैं जो वैष्णव रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये किताब कहती है। वीर भाव में वो करते हैं जो वामाचारी विचार से महादेव के शिवलिंग की पूजा करते हैं, और दिव्य भाव से कलयुग में उनकी पूजा मानी जाती है जो अघोर या कौल मार्ग से इसकी पूजा करते हैं। तो शिवलिंग जो कि महादेव दुर्गा पर विराजमान है, जो अर्घा कहते हैं, पंचमुखी महादेव उस पर विराजते हैं, इसको अगम शास्त्र भी कहा जाता है। तो अगम शास्त्र का मूलभूत जो प्रयोजन होता है वो होता है कि आपको आत्म साक्षात्कार कराना। अब जो परम शिव है वही सच्चिदानंद है और इनका दो भाग है, पर और अपर। तो पर जो है ना वो ध्यान से आता है, मतलब वो आपको अनुभव हो सकता है, और अपर जो है वो तंत्र मार्ग है, ठीक है। तो जब आप शिवलिंग को देखते हो तो शिवलिंग का दो भाग, एक पंचमुखी महादेव और नीचे अर्घा जिसको दुर्गा मान के हम पूजा करते हैं। तो शिवलिंग का दो भाग जो है वो लोक और आध्यात्म का प्रतीक है। लोक मतलब महामाया दुर्गा और आध्यात्म मतलब महादेव, ठीक है। तो जो पांच मुख है उन सब मुखों का अलग अलग कारणों से हम पूजा करते हैं। भगवान महादेव का जो ऊर्ध्व मुख है, मतलब जो आकाश को देखता है, उस मुख को शास्त्रों में बंधन मुक्ति के लिए उपयोगी माना गया है, मतलब उमा महेश्वर के रूप में। और इनसे जो तंत्र निकलता है उसको मोक्ष तंत्र कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर मुख है, जो आकाश की तरफ देखते रहते हैं, वो मोक्ष तंत्र के लिए उनका प्रयोग होता है। तो जो मोक्ष तंत्र के लिए भगवान शिव का प्रयोग होता है, उनका जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ईशानः सर्व विद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणो आधिपते ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवोहम। बहुत लोग सदाशिवोहम के बदले सदा शिवोम भी बोलते हैं, ठीक है।
ये जो ईशान का जो भी ध्यान करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो विशुद्ध रूप से ज्ञान के लिए ही करते हैं। ज्ञान के लिए ही इस मुख की पूजा की जाती है। दूसरा जो मुख है जिसकी पूजा हम करते हैं वो है पूर्व मुख। ठीक है, पूर्व मुख प्राणियों के की रक्षा करता है विष से, और इसका नाम है गरुड़ तंत्र। पूर्व मुख के बारे में और भी बहुत तरह की कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारे तरह के विषय प्रचलित हैं। पूर्व मुख को सृष्टि का एक अनुपालक भी कहा जाता है कि सृष्टि जो हुई वो इसी मुख से हुई, जो गरुड़ तंत्र है उसे ही सृष्टि की रचना हुई। इनको तत्पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो तत्पुरुष का मंत्र है, जो मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुका हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगला मुख जो आता है वो है दक्षिण का मुख। दक्षिण का मुख जो होता है वो भैरव तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये शत्रु नाश के लिए इसका प्रयोग होता है। और इनका मंत्र ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरत्रेभ्यो सर्वता सर्वसेवेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो, ये मंत्र भी आपने कई बार मेरे चैनल पे सुना होगा। सिर्फ वाम एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। जो पश्चिम मुख है उसको भूत तंत्र कहते हैं। ठीक है, भूत तंत्र के लिए हमेशा पश्चिम मुख महादेव की पूजा करनी चाहिए, जिसको सद्योजात भी कहते हैं। तो सद्योजात इनका मंत्र है, ओम सद्योजाताय नमः, सद्योजातम प्रपद्यामि, सद्योजाताय वे नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवश्य मा भवद्रवाय नमः। ठीक है, और अंतिम जो आते हैं वो है उत्तर मुख यानी वामदेव। वामदेव की पूजा जो है शब्द समूह को सम्मोहित करने के लिए की जाती है। वाम का जब भी आप पूजा करेंगे तो आप पूजा करेंगे किसी को सम्मोहन करने के लिए, या खुद में सम्मोहन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और इसका सबसे ज़्यादा वर्णन जो है तंत्र शास्त्र में आता है। वामदेव का जो मंत्र है वो थोड़ा कठिन है, वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः काल विकर्णाय नमो बल विकर्णाय नमो बालाय नमो बल प्रथमनाय नमो सर्वभूत दमनाय नमो मनो मनाय नमः। ये वामदेव का मंत्र है। ये जितने जो पांच मुख हैं ये अलग अलग सृष्टि का संकेत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व मुख सृष्टि है, दक्षिण मुख स्थिति है, पश्चिम मुख प्रलय है, उत्तर मुख अनुग्रह है, और ऊर्ध्व मुख जो है वो ज्ञान का मुख है। ठीक है, ऊर्ध्व मुख मतलब सबसे ऊपर, जो ऊर्ध्व मुख है सबसे ऊपर उसको सफेद चीजों का से पूजा करनी चाहिए, जैसे दूध दही घी, है ना। जो पूर्व मुख है तत्पुरुष उसको पीले वर्ण की चीजों से पूजा करना चाहिए, जैसे हल्दी, पीले फूल। ठीक है, जो दक्षिण मुख है उसको नील वर्ण की चीजों से नील वस्त्र अर्पित करने चाहिए, नीले फूल चढ़ाने चाहिए। पश्चिम मुख जो सद्योजात है उसको भी श्वेत सामग्री से ही पूजा करना चाहिए। और जो उत्तर मुख वामदेव का है वो कृष्ण वर्ण है, और कृष्ण वर्ण की चीजों से उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पांच अलग अलग मुख महादेव के, पांच रूपों का वर्णन, पांच मंत्रों का वर्णन, पांचों का क्या विधान, क्यों करें पूजा, ये मैंने आपको आज बताया। अंत में करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभु। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। जिनको मेरे लिखा लेख या आगामी कार्यक्रम जानना है वो www.aghortantrahasapat.login करें और जानकारी प्राप्त करें। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें rudra.cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान महादेव शिवलिंग स्वरूप आप लोगों को
भक्ति शक्ति संबंध, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।